नमस्कार प्राइम मेगा न्यूज में आपका स्वागत है। खबर अयोध्या से। सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित विषयों पर विज्ञान स्तर पर विज्ञान वार्डन प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के माध्यम राजकीय पॉलिटेक्निकल अयोध्या परिषद में जिला विज्ञान क्लब के जिला सामान्य निखिल सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बता दें कि डीएम नीतीश कुमार एवं अध्यक्ष जिला विज्ञान क्लब द्वारा किया गया, जिसमें जनपद अयोध्या के कुल लगभग 20 विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं ने छात्र सम्मिलित होकर बता दें 50 से अधिक के विज्ञान मॉडल का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें बता दें कि भवदीय पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जय उपाध्याय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और शिवदयाल जयसवा सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज कक्षा 11वीं के विद्यार्थी दिवास तिवारी ने AI बेस्ट मॉडल बनाकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। बच्चों ने जो विज्ञान के संदर्भ में जो मॉडल्स प्रस्तुत किए थे उसका हम लोगों ने देखा है, और इसमें हमारे जो पॉलिटेक्निक के और ITI के प्रिंसिपल्स भी सब आए हैं, और उसका देख के कैसे इसको व्यवहारिक स्तर पर इसको यूज़ किया जा सकता है और कैसे इसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करके कैसे सीख सकते हैं, कैसे मॉडल बना सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास होता है मॉडल बनाने से। वो बच्चों ने दिखाया है अपनी प्रतिभा को, और हम लोग चाहते हैं कि इसको और फिर अब यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर मंडल लेवल पे, मंडल से फिर स्टेट लेवल पे जाएंगे, तो काफ़ी बेहतर है और ऐसे प्रयास करना चाहिए जिससे साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में बढ़े। सबसे खास क्या लगा सर? बहुत सारी चीज़ें खास है, सब अलग अलग इशूज़ पे हैं, इसलिए खास तो हमारे जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सबका कंटेंट और सब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं, तो सबकी तुलना एक साथ नहीं की जा सकती बच्चों के लिए। सर एक सवाल और, सर एक सवाल है कि एक